तो वहीं जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आज माली समाज का महासंगम है और जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ये महासंगम होगा। आयोजकों ने 5 लाख भीड़ जुटाने का दावा किया है। महासंगम में कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी समेत कई राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी। महासंगम में माली समाज को विधानसभा चुनाव में उचित राजनीतिक प्रतिनिधि देने, 12% आरक्षण, सावित्री बाई को भारत रत्न देने, लोकसभा में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगाने जैसी कई मांगे हैं। उधर मांगों को लेकर माली समाज की मांग को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर माली समाज की मांग पत्र पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई है। माली समाज आबादी के हिसाब से 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। और इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस महासंगम को लेकर आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो सामाजिक, जो समाज के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से अब सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में आज माली समाज का जो महासंगम है वो जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर आग्रह किया है प्रधानमंत्री से। माली समाज की मांग है कि 12% आरक्षण की जो मांग है उसे पूरा किया जाए, आबादी के हिसाब से उन्हें 12% आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसके साथ साथ सावित्री बाई फूले को जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था, इसके लिए उन्होंने भी ये आग्रह किया है। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लोकसभा में ज्योतिबा फूले की प्रतिमा लगाने और सावित्री बाई के जो संघर्ष की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग लगातार कर रहा है। जिस तरीके से आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें शामिल होंगे महासंगम में, वे करीब 12:30 बजे महासंगम में पहुंचेंगे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी समेत कई राजनीतिक हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो प्रमुख मांग है वो ये भी है कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि है उसमें विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधि बढ़ाने की मांग लगातार समाज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो समाज के जो सामाजिक कार्यक्रम है वो लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज माली सैनी समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आशीष, जानकारी ये भी लिख रही है कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सीएम को, पीएम को जो है पत्र लिखा गया है ताकि इनकी मांगों पर विचार किया जा सके और सकारात्मक विचार हो। देखिए, ये भी मांग है, 12% आरक्षण की मांग लगातार समाज कर रहा है। और इसके अलावा जो सावित्री बाई फूले का जो योगदान है उसको लेकर पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी मांग है वो ये भी है कि लोकसभा में जिस तरीके से जो महात्मा ज्योतिराव फूले की प्रतिमा है उन्हें लगाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये प्रमुख मांगे हैं जो समाज की तरफ से सीएम को दी गई थी। ठीक है आशीष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।